भी जाऊंगी मैं मुझे एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस तरह से रिशपुर गांव में एक परिवार ने एक महिला को जो कि पत्नी है किसी की और उसको 3x3 के टॉयलेट में कैद करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आज मैं अपने स्टाफ सहित मौके पे पहुंची हूं और हमने जैसे हम इस घर में पहुंचे और हमने पति को बोला कि कहां पर है तेरी पत्नी, तो वो हमारे सामने उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और सूचना सही पाई गई और जो पत्नी है वो उसको 3x3 के टॉयलेट में मिली है। और हालत उसकी ऐसी थी कि जैसे कि कई सालों से ऐसा लगता है कि खाना ही नहीं खाया हो, उसको कुछ नहीं दिया और ये बताया गया कि उसकी मानसिक हालत खराब है। जबकि अभी हमने बातचीत करी है तो बातचीत में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इसकी मानसिक हालत खराब है या नहीं है, लेकिन ये सूचना सही थी कि 3x3 के टॉयलेट में बहुत ही दयनीय हालत में जिसे कहते हैं कि मिली है। ये सारी टॉयलेट कपड़ों के ऊपर सारा कुछ हुआ था और हमने आकर ही अपने सामने नहलाया है और अब आप स्थिति देख रहे हैं कि औरत कितनी सही है। वो बताए सर, क्या मामला आया सर? अभी अब मामला आज इसने रजनी गुप्ता मैडम है प्रोटेक्शन अफसर, उन्होंने रिशपुर गाँव में जाके शिकायत पर एक नरेश पुत्र रकमा वासी रिशपुर के मकान से उसकी पत्नी को लेटरिंग्स के मतलब अंदर कई सालों से रोकने की बात सामने आने पर उसको बाहर निकाल कर भाई थाना में पेश करा है। और उस संबंध में जो भी उचित उस संबंध में कंप्लेंट पेश करी है उस और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो नरेश के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, एक महिला कहीं दिमाग के कारण से परेशान है, क्या बताया सर अभी कुछ बात आपके? मैडम रजनी गुप्ता ने बताया है कि भाई ये थोड़ा दिमागी तौर पर परेशान लग रही है, लेकिन हम इस संबंध में भाई डॉक्टर से राय लेकर और जो आगामी कार्रवाई होगी मुनासिब उस अमल में लाएंगे। क्या नाम है सर आपका? एस आई सुभाष।